हेलो फ्रेंड्स, हॉलीवुड अपडेट्स और ऑनेस्ट मूवी डिस्कशंस के लिए मेरे चैनल दास्तान टीवी को सब्सक्राइब करिए। तो आज मैं अभी भी लौटा स्पाइडरमैन नो वे होम की सेकंड व्यूइंग के बाद, और सेकंड व्यूइंग में मुझे ज़्यादा मज़ा आया फर्स्ट व्यूइंग से ज़्यादा। बहुत ही अच्छी एंटरटेनिंग मूवी है और बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था मैं टॉबी मैगवायर के रिटर्न को देख के। अब जब मैंने आर्टिकल्स को चेक किए नेट पे, तो इसका जो ओपनिंग वीकेंड है डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे वो 250 मिलियन डॉलर के भी ऊपर जा सकता है, ये एस्टिमेट किया जा रहा है। अगर संडे का बॉक्स ऑफिस अच्छा होल्ड किया तो 250 मिलियन डॉलर का मार्क भी ये क्रॉस कर सकती है स्पाइडरमैन नो वे होम, और वर्ल्ड वाइड का जो ओपनिंग वीकेंड है वो तो डेफिनेटली 500 मिलियन डॉलर के ऊपर ही जाएगा। अब उसमें कोई शक नहीं लग रहा है। अच्छा, ये जो ओपनिंग वीकेंड आ रहा है ये थर्ड बेस्ट है डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस के लिए। सबसे ऊपर है एवेंजर्स एंड गेम जो अराउंड 357 मिलियन डॉलर था। उसके बाद आता है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर जो अराउंड 257 मिलियन डॉलर था, और स्पाइडरमैन नो वे होम अराउंड 250 मिलियन डॉलर तक जा सकती है। लेकिन अगर संडे को थोड़ा और सपोर्ट मिल गया ऑडियंस का और ज़्यादा बड़ा ड्रॉप नहीं हुआ तो शायद इन्फिनिटी वॉर के भी आगे जा सकती है। इसने थर्ड बेस्ट जो पहले था वो स्टार वॉर्स की फोर्स अवेकन शायद मूवी थी। अब मुझे स्टार वॉर्स के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि इतना कभी मुझे कहें तो इतना क्रेज़ नहीं हुआ स्टार वॉर्स का, एंड आई डोंट केयर अबाउट इट। तो उसने इसको बीट कर दिया स्पाइडरमैन नो वे होम ने, और इंडिया के बॉक्स ऑफिस पे भी आप जानते हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो गाइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है सोनी पिक्चर्स के लिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो मूवी है इसने भले ही एमसीयू के कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज अपियर हो रहा है, लेकिन इस मूवी को, स्पाइडरमैन नो वे होम को, हम सोनी पिक्चर्स की मूवी बोलेंगे, क्योंकि इसका 75% जो बजट है वो सोनी पिक्चर्स ने दिया है, केवल 25% बजट डिज्नी ने दिया है। यानी जो 75% जो प्रॉफिट होगा वो सोनी पिक्चर्स की जेब में जाएगा, और ये साल हम जानते ही हैं सोनी पिक्चर्स के लिए कितना अच्छा रहा है। एक के बाद एक उनकी मूवी कहें तो सक्सेसफुल हुई है बॉक्स ऑफिस पे। वहीं दूसरी तरफ डिज्नी की मूवी तो हम जानते हैं मुंह के बल गिरी हैं सब, चाहे ब्लैक विडो फ्लॉप, क्रुएला फ्लॉप, जंगल क्रूज फ्लॉप और इटर्नल्स फ्लॉप, इनकेंटो जो एनिमेशन मूवी है वो फ्लॉप, और वेस्ट साइड स्टोरी शायद नाम है मूवी का डिज्नी की एक लेटेस्ट, वो भी फ्लॉप। तो इनके लिए हालत काफ़ी बुरी है, लेकिन सोनी पिक्चर्स के लिए तो ड्रीम रन है। तो आई थिंक कि अब तो बहुत ही इजली ये 1 बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर सकती है। पहले लग रहा था कि शायद चाइना में रिलीज नहीं हो रही है नोवे होम, तो 1 बिलियन डॉलर के थोड़ा सा पीछे रह जाएगी, लेकिन अब तो डेफिनेटली एक्वामैन के भी आगे जाएगी, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के भी आगे जाएगी, और आई थिंक ब्लैक पैंथर को भी ये बीट कर सकती है बॉक्स ऑफिस पे। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस, क्या आपको लगता है कि ये स्पाइडरमैन नोवे होम, ब्लैक पैंथर और एक्वामैन, एक्वामैन को तो डेफिनेटली बीट कर लेगी, सिर्फ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर को भी बीट कर लेगी, क्या आपको लगता है एक्वामैन और ये सिविल वॉर और ब्लैक पैंथर को बीट कर पाएगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऑनेस्ट मूवी डिस्कशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।